नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं सुपर VPN क्या है और आप कैसे यूज करेंगे, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर वाले ऐप्स पर, सिंपली मुझ पर टाइप कर देते हैं। टाइप हो जाने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है और आपको ऊपर सर्च बार वाले ऑप्शन में सुपर VPN ऐप को सर्च कर लेना होगा। सर्च हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है और आपको यह एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना होगा। हमने पहले से ही इंस्टॉल कर लिया है तो आपको ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो सिंपली हम उस पर टाइप कर देते हैं। टाइप हो जाने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है और आप यहां पर देख सकते हैं हमें ऐड भी देखने को मिल जाता है, तो हम ऐड देख लेते हैं और कट कर देते हैं। कट हो जाने के बाद आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है और आप देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन, तो आप उस ऑप्शन पर टाइप करके VPN को कनेक्ट कर सकते हैं। और आप ऊपर देख सकते हैं सर्वर का ऑप्शन, सिंपली हम इस पर टाइप कर देते हैं। टाइप हो जाने के बाद आप यहां देख सकते हैं ऑटो सेलेक्ट और आपको यहां पर अलग अलग सर्वर देखने को मिल जाते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर किसी एक सर्वर को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सिंगापुर सर्वर को सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो सिंपली हम 3 लाइन वाले ऑप्शन पर टाइप कर देते हैं। टाइप हो जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं स्मार्ट प्रॉक्सी आप देख सकते हैं, शेयर देख सकते हैं, रेटस देख सकते हैं या फिर क्यू देख सकते हैं, अबाउट देख सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर स्मार्ट प्रॉक्सी वाले ऑप्शन पर टाइप करके भी देख लेते हैं, उस पर हम टाइप कर देते हैं। टाइप हो जाने के बाद आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनेबल स्मार्ट प्रॉक्सी, तो आपको यहाँ पर इनेबल करना होगा, तो हम इनेबल कर देते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं इनेबल हो चुका है, इस तरह से आप इनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम बैक जाते हैं, तो चलिए हम यहां पर VPN को कनेक्ट करके भी देख लेते हैं। तो सिंपली हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टाइप कर देते हैं। टाइप हो जाने के बाद आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं कनेक्ट, अभी हमारा VPN कनेक्ट नहीं हुआ है, तो सिंपली हम कनेक्ट वाले ऑप्शन पर टाइप कर देते हैं। टाइप हो जाने के बाद आपको यहाँ पर परमिशन मांगेगा, आपको ऑलवेज अलाउ कर देना होगा और आपको छोटा सा ऐड भी देखने को मिल जाता है, तो हम ऐड को क्लोज कर देते हैं। क्लोज हो जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारा VPN कनेक्ट हो चुका है, इस प्रकार से आप VPN को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम VPN को डिसकनेक्ट भी कर लेते हैं, सिंपली आपको डिसकनेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा VPN डिसकनेक्ट हो चुका है। आप इस ऐप में VPN को वन टैप में ही कनेक्ट कर सकते हैं और आप वन टैप में ही डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग जाती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी।